पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि। पाली पुरानी भाषा है या संस्कृत पुरानी भाषा है, ये सवाल काफी चर्चा का बना हुआ है और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मैं टाल जाता हूं क्योंकि कोई पुराना है कोई नया है, मेरे को ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता। बहुत वीडियोस बनती हैं जो काफी चलती हैं, मगर मुझे एक विद्वान का एक लेखक का फोन आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि सुधीर जी पाली भाषा पुरानी है या संस्कृत पुरानी है। तो मैं सोच में पड़ गया कि अगर विद्वान आदमी लर्निड आदमी लेखक आदमी भी अगर ये बात मुझसे पूछ रहा है तो जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा है, तो मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मैं इस पूरी वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा कि पाली पुरानी भाषा है या संस्कृत पुरानी भाषा है, मगर तथ्य सारे रखूंगा और आप खुद जजमेंट कर लेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। दरअसल सबसे पहले ये समझे कि संस्कृत का मतलब क्या होता है। संस्कृत जो शब्द है यानी शब्द है वो पाली में नहीं है, पाली में संस्कृत का कहीं दूर दूर तक भी कोई शब्द नहीं है, मगर पाली में जो मूल शब्द है वो है संखारा, संखार। और ये संखारा और संखार जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुद्ध के धम्म चक्के जो 12 तिलियां हैं उसका एक अंग भी है संखारा, और संखारा पे सारी की सारी बुद्ध की थ्योरी भी बेस है, आधारित है। तो संखारा का क्या मतलब होता है और क्या संखार है। दरअसल संखारा संखार और संखति, संखति को ही बाद में संस्कृत कहने लगे, यानी संस्कारित भाषा को संस्कृत कहने लगे। अब ये संखार क्या होता है दरअसल, और संस्कृत होती क्या है, और संस्कारित का मतलब क्या है। जब किसी मूल चीज को हम मॉडिफाइड करते हैं बदलते हैं तो उसको कहते हैं कि अब हमने इसको संस्कारित कर दिया, या आज की भाषा में हम इसको संखारित को संस्कारित बोलते हैं, हमने कहा इसका संस्कार कर दिया। कोई व्यक्ति जिसका संस्कार हो जाता है वो पहले वाले व्यक्ति से फिर दूसरी तरह से उसका मूल्यांकन होता है, उसको समझते हैं कि ये अब संस्कारित है। कहते हैं मां बाप ने इस लड़के को अच्छे संस्कार नहीं दिए इसलिए ये बदतमीज है, या ये संस्कारित परिवार का व्यक्ति है, लड़का है लड़की है, देखो इनके व्यवहार कितने अच्छे हैं, यानी इनके मां बाप ने जो इनको संस्कार दिए हैं वो अच्छे हैं। तो संस्कार खराब भी होते हैं संस्कार अच्छे भी होते हैं, उसी पे आधारित बच्चे हम बोलते हैं कि इस बच्चे के संस्कार अच्छे हैं इस बच्चे के संस्कार खराब हैं। आपने सुना होगा कि आज तो संस्कार का कार्यक्रम है इसलिए मैं नहीं आ सकता, लोग ऐसा बोलते हैं, यानी कोई कार्यक्रम है जिसमें संस्कार होना है, मॉडिफिकेशन होना है, कुछ जुड़ना है या कुछ घटाया जाना है। आपने कथाओं में सुना होगा कि अरे ये तो व्यक्ति अब पाप युक्त हो गया इसका संस्कार करो तो ये ठीक होगा, तो उसका संस्कार करते हैं तो उसके पाप चले जाते हैं और उसका ठीक मान के उसको बरादरी में शामिल कर लेते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। दरअसल अछूत जो अनटचेबल्स की जो स्टोरीज है उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी को छू लेता है तो कहता है अरे ये तो अछूत को छू लिया, अनटचेबल को छू लिया, पाप हो गया, पाप लग गया, अब इसका संस्कार होगा, इसको पहले गंगा के जल से नहलाया जाएगा। ऐसी कहानी किसने बनाई, कैसे बनाई, कब बनी, इसके कोई आधार तो है नहीं, मगर मैं आपको यहां संस्कार सिखा रहा हूं। तो संस्कार का मतलब है कि आपने कुछ किया है, कुछ मॉडिफाइड किया है, कुछ जोड़ा है। तो जिस चीज को मॉडिफाइड किया जाता है, जोड़ा जाता है या घटाया जाता है उसको कहते हैं कि ये संस्कारित हो गया, और उसको संस्कृति कहते हैं। अब भाषाओं का भी संस्कार होता है, भाषाओं का संस्कार कैसे होता है। भाषा जो होती है मूल, सबसे पहले सरा होते हैं जिनको स्वर बोलते हैं, आप वॉवेल बोलते हैं, पांच होते हैं इंग्लिश में अगर कहें तो ए आई ओ यू
ई, और अगर हिंदी में या पाली में कहें तो ए आ ए ओ ई, ये होते हैं छोटी ई और बड़ी ई, उ और ओ, ये आठ होते हैं टोटल पाली के अंदर, दस नहीं होते, दस बाद में संस्कृत करके लिए गए हैं। तो जानवर भी सबसे पहले जो बोलता है वो स्वर को बोलता है, सरा को बोलता है, वोवेल्स को बोलता है। उनकी आवाज अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी जानवर की या चिड़िया की, तो हमेशा ए आई ओ यू ई में आएगी, कहेंगे ओ ए ई यू आ, ऐसे करके वो आवाज उनकी निकलती है, लंबी लंबी आवाज निकलती है। वो व्यंजन बनाना नहीं जानते, कॉन्सोनेंट्स बनाना नहीं जानते, इसलिए वो कह खे गह नहीं बोलते। मगर मनुष्य की चेतना जैसे जैसे डेवलप होनी शुरू हुई और बड़ी, उसने व्यंजन का आविष्कार कर लिया और अपने गले से व्यंजन भी बोलने शुरू कर दिए। कह खे गह घ छ छ ज झ म भ प भ र ल व स ह, ये सारे उसने जितने भी व्यंजन हैं, जितने कॉन्सोनेंट्स हैं, ये बोलने शुरू कर दिए। तो जब इसने बोलना शुरू कर दिया तो भाषा का विकास हुआ, यानी प्राकृतिक भाषा, नैसर्गिक भाषा, नेचुरल भाषा, पक्ति भाषा, पाली के अंदर पक्ति भाषा बोलेंगे, या कुदरती भाषा, वो भाषा आने लगी। अब कम्युनिकेशन आने लगा, भाषा आने लगी। मगर जब नेचुरल भाषा आती है तो वो बहुत तेजी से फैलती है और वो मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जम जाती है, जो ब्रेन में जम गई क्योंकि कोड उसके जम गए, तो उसको भुलाना, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बोलने का तरीका निकालना, भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो भाषा प्राकृतिक भाषा है। जब कोई बाहर का व्यक्ति, कोई समूह किसी दूसरी जगह जाता है और वो संख्या में कम हो, तो वो वहां की भाषा को अपनी भाषा के साथ में कोशिश करता है कि बात को समझा सके। जैसे जो अरबी लोग हैं, जब भारत में आए तो वो अरब की भाषा अरबी लेके आए। यहां तो अरबी चलती नहीं है, यहां जो चलती है वो मगधी, कौसली, पाली, अशोकी, धम्मलिपि भाषा, जो पुरानी भाषाएं वो चलती हैं। तो उन्होंने इस भाषा से जब उसको मिक्स करना शुरू किया तो एक नई भाषा बनी, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा का संस्कार किया यहां की भाषा को मिलाकर, जोड़कर, तो उर्दू बनी। जब अंग्रेज लोग आए तो वो इंग्लिश लेके आए, और जब यहां की भाषा थी उससे जब उन्होंने मिले तो वो इंग्लिश बन गई, यानी कि ना इंग्लिश रही ना वो यहां की भाषा रही, वो इंग्लिश बन गई। तो जो लोग बहुत पहले बाहर से आए, जब वो अपनी भाषा लेके आए तो उन्होंने यहां की भाषा के साथ में अपनी भाषा को जोड़ना शुरू किया, यहां की भाषा में से कुछ शब्द जोड़े और कुछ शब्द निकाले जो यहां की मूल भाषा थी पाली भाषा, आज के समय में पाली बोलते हैं। तो उन्होंने क्या जोड़ा और क्या उन्होंने घटाया? उन्होंने सबसे पहले दो मात्राएं जोड़ी। दो मात्राएं कौन सी? औरत वाली जो दो डंडों की ओ होती है, और एमक वाली जो ए होती है, वैर वाली जिसमें दो डंडे होते हैं ऊपर, यानी आठ पहले थी, दो और जोड़ी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो व्यंजन थे, व्यंजनों में कुछ व्यंजन जोड़े। कौन कौन से जोड़े? उन्होंने शय जोड़ा, षटकोण वाला शय जोड़ा और सलजम वाला शय जोड़ा। उन्होंने जो ऋषि है, ऋषि में जो आधा शय और रह आता है वो जोड़ा, और जो ज्ञानी में गया आता है वो जोड़ा, और जो त्रि में त्रय आता है वो जोड़ा उन्होंने। ये शब्द उन्होंने जोड़े, और उन्होंने आधा रह जोड़ा, यानी कि आधा रह जो शब्द के ऊपर या नीचे जहां भी होता है वो आधा रह उन्होंने उसमें जोड़ा। और कुछ पाली के शब्दों में जो उनका मेन सिग्नेचर था भारत की भाषा का, अंग अंग को जोड़ के हलंत किया। जैसे हम कहते बुद्धंग, उन्होंने बुद्धंग की जगह बुद्धम बोलना शुरू किया। बुद्धंग बुद्धम, सुधीरंग सुधीरम, ऐसे बाद में उन्होंने हलंत लगाया और इसको शब्द को बंद किया। ये मेन परिवर्तन किए। इसके अलावा छोटे छोटे परिवर्तन और हैं। उन्होंने चांद बिंदु, जो आंख और जो ऊपर लगता है चांद बिंदु, वो चांद बिंदु उन्होंने जोड़ा। इसके अलावा विसर्ग जोड़ा उन्होंने। विसर्ग के अलावा उन्होंने कुछ हटाया भी, जैसे पाली का जो भाषा थी उसमें अंग हटा दिया, और एक आधा लय और ळ शब्द था जो सोलस में बोला जाता है, आज के समय जो मराठी में चलता भी है, वो उन्होंने खत्म कर दिया। यहां से खाली ले ले उसमें रखा, सोलस में जो ले और ले आता था वो हटा दिया। इसके अलावा उन्होंने उसके बोलने के तरीकों को बदल दिया, क्योंकि जैसे हम मच्छू बोलते हैं तो मच्छू की जगह उन्होंने मृत्यु बोला,
धम्म बोलते हैं तो धर्म बोला, और जहां कम बोलते हैं उसको कर्म बोला, यानी बहुत सारे शब्द जैसे पट्टी है उसको उन्होंने प्रति कर दिया, बहुत सारे शब्द बोलने में बदल गए और बाद में लिखने में भी बदल गए। मगर मेन बात क्या है कि जो भारत की या किसी भी कंट्री की जो मेन और मूल भाषा होती है और जो पुरानी भाषा होती है उसको लोग बोलना नहीं छोड़ते, ना ही उसकी भाषा में कोई अंतर आता है, मिक्स जरूर हो जाती है मगर बोलना नहीं छोड़ते। तो भारत में आज के समय भी पुरानी मगधी भाषा, पुरानी कौशली, पुरानी अशोकी जिसको आज पाली कहते हैं वो बोली जाती है, वही कम्युनिकेशन का मेन साधन है और इसको बदलना आसान नहीं है। क्योंकि जितनी भी संस्कृत भाषा होती है वो जो बाहर से लोग आते हैं वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी मूल भाषा भी अपने पास रखते हैं जिसे आम भाषा नहीं बना पाते, क्योंकि वो बहुत थोड़े से लोग आते हैं, बहुत थोड़े से लोग क्यों उनकी भाषा सीखेंगे, क्योंकि जो ज्यादा भाषा चलती है वो ज्यादा चलती है, तो थोड़े लोगों को यहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है या मिक्स कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मॉडिफाइड को जो भाषा है मॉडिफाइड की लैंग्वेज में संस्कारित बोलते हैं और संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत जो भाषा है दुनिया में हजारों तरह की है, यानी जहां जहां भी भाषाएं मिक्स हुई हैं, छोटी भाषा ने बड़ी भाषा से कुछ जोड़ा तोड़ के अपनी कोई भाषा बनाई है उसको संस्कारित भाषा बोलते हैं, मॉडिफाइड बोलते हैं, संस्कृत उसका नाम है। आप इस भाषा का दूसरा नाम भी रख सकते हैं, जैसे संस्कारित उर्दू है, उर्दू संस्कृत ही है क्योंकि वो संस्कारित भाषा है, अरबी का संस्करण हुआ है तो वो संस्कृत है, जैसे इंग्लिश है वो संस्कृत भाषा है। ऐसे ही जो भारत की मूल भाषा यानी कि ओरिजिनल भाषा है जिसको पाली बोला जाता है, इससे जो बाहर के लोगों ने आके जो इसमें शब्द जोड़े उन्होंने इसका नाम उर्दू और इंग्लिश की बजाय संस्कृत ही बोलना शुरू किया, यानी संस्कारित है तो संस्कृत इसका नाम रखा, इसलिए ये संस्कृत ही हो गई, यानी मॉडिफाइड ही हो गई, संस्कारित भाषा ही हो गई। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो भाषा पुरानी होती है वो ओरिजिनल होती है, पुरानी भाषा का संस्कारित करके संस्कार करके नई भाषा बनती है, उसको उर्दू बोल सकते हैं, उसको इंग्लिश बोल सकते हैं, उसको संस्कृत बोल सकते हैं। और जो संस्कारित भाषा होती है वो बोली नहीं जाती, वो भाषा पूरे प्रांत में, पूरे स्टेट में, पूरे देश में लागू नहीं होती, लोग उसको अंगीकार नहीं करते, उनकी संख्या बहुत कम होती है, उनकी मेन भाषा रहती है, भाषाएं बदलती रहती हैं अपने आप। इसलिए ये कहना कि कौन सी भाषा पुरानी है कौन सी नहीं है ये बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो मूल भाषा होती है वो बहुत पुरानी होती है, वो जानवरों से आरंभ होती है, और जो संस्कृत भाषा है वो दुनिया में आज भी बनाई जा सकती है। जैसे जो मिलिट्री के लोग हैं पूरी दुनिया में, जो आर्मी के, एयरफोर्स के लोग हैं, वो जब वो अपने माइक्रोफोन पे बात करते हैं, ट्रांसमीटर पे बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो उनकी कोड की भाषा होती है, संस्कृत भाषा होती है, मॉडिफाइड होती है। जो उन कोड्स को समझता है, जो उस भाषा को समझता है, वही उसको डिकोड कर सकता है, हम नहीं कर सकते जब तक हम सीखेंगे नहीं। और एकाध कोड या संस्कृत भाषा तो घर में हमेशा चलती रहती है, जैसे बच्चे आपस में कोई नई भाषा बना लेते हैं दो तीन शब्दों की, जैसे किसी का नाम रख देते हैं चंगू मंगू। अब चंगू मंगू अगर नाम रख दिया तो जिसका नाम रखा है और जो जानता है वही समझेगा, बाहर का कोई आदमी आए और वो उसको सामने चंगू मंगू कहें तो वो नहीं समझ पाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी भाषाएं हर घर में बनती रहती हैं, हर घर में संस्कृत लगातार बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। इसलिए ये जो प्रश्न है ये बहुत आसान है, इस प्रश्न का जवाब देने में कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, अगर वो ये समझता है कि प्राकृतिक और मूल भाषा कौन सी होती है और जो संस्कृत भाषा है संस्कृत है उसको कैसे बोलते हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है, आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं,
आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.